पैथेटिक, बदतरीन, शर्मनाक, अफसोसनाक, बदतरीन के आगे कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। इंडिया पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई शर्मनाक परफॉर्मेंस है ये। 8-0 हर साल उम्मीद दिलाते हो, हर साल शिकस्त खाते हो। भाई मैच ही ना रखो ना, इससे बेहतर है मैच ही ना रखो। इंडिया पाकिस्तान का बार बार ग्रेटेस्ट राइवलरी, अबे कौन सी ग्रेटेस्ट राइवलरी, 8-0 है भाई। राइवलरी वो होती है 4-4 बराबर है, 5-3 है। अभी 8-0 सुन लो एक मजे की बात, भारत वाले एक्चुअली हमें हरा हरा के टाकरे जागरे करा के हमसे मजे लेते हैं। तो भाई हमने तो ये मजे कभी नहीं दिए किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बेवकूफ बनने का शौक नहीं है, जीतते वो हैं, टाकरे हम करते हैं, जलील भी अगर में हम होते हैं। और भाई अल्लाह का शुक्र है कभी टाकरा नहीं किया, अल्लाह ने बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप नेदरलैंड से, श्रीलंका से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, इससे उससे, फलानी नेपाल, सबसे जीत जाओ। अबे भाई क्या हो जाता है इंडिया के खिलाफ यार, ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस, वन साइडेड मैच 30 ओवर में पूरा कर दिया। अब इतना गंदा ऐसा लग रहा है नेपाल को मारे उन्होंने। भाई सीधी बात ये है कि हमारी टीम उस लेवल की है ही नहीं कि हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल सके। हमारी टीम सिलेक्शन, हमारी प्लेइंग 11, ठीक है, हमारी सिफारिशें, ये इतनी आगे होती हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। और आज का मैच जिस तरह खेला गया, कसम से मैं हैरान होता हूँ। देखे रोहित शर्मा और पर्ची इमामुलक एज अ ओपनर, इनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर तक फर्क है। लेकिन बात यह है कि किसी और टीम का कोई यंग लड़का भी खेलता है, रविंद्रा आपके सामने है, ठीक है, कुशाल मेंडस आपके सामने है, श्रीलंका का जो प्लेयर है, इसी तरीके से और टीम्स भी हैं, ठीक है। अफगानिस्तान अभी ऊपर आ रही है, उसका प्लेयर गुरबाज देख लो, इमामुलक कब से क्रिकेट खेल रहा है। गुरबाज और इमामुलक में जमीन आसमान का फर्क है, वो जिस तरीके से वो मैंने पहले खेल रहा है। बोला है अब एक कराची में खेल रहे हो, हैदराबाद में खेल रहे हो, कोलंबो, मेलबर्न, अहमदाबाद, बैटिंग पैराडाइज, तो फिर तो 20 गेंदे, 25 गेंदे, नहीं मुझे 38 गेंदों पे 6 चौके मारे आपने और टोटल रन 36 हैं। मैं यही तो बात है ना भाई, कौन सी अप्रोच है यार। मुझे कुलदीप यादव ने थप्पड़ मारा है इनिंग्स के बीच में, थप्पड़ मारा उसने, बोला कि ये तो मुझे मजा आ रहा था, मुझे तो अटैक ही नहीं हुआ पूरी इनिंग्स के अंदर। अच्छा उसने ये जो एक लाइन है ना, ये चमाट है आपके मुंह पे क्रिकेट पर। हाँ लिटरली चमाट दिया उसने, जनाटे था नहीं होता यार। देखे बात सुने, बात सुने, अगर इसके बाद भी गैरत ना जागी ना भाई, मेरी बात हमारी तो हम बेगैरत ही हैं क्रिकेट भाई। बात ये है, सॉरी भाइयों, यार सबको पता है, सबको पता है, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, बीपी आई हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर तो हुई नहीं है ना हमारी टीम। अगले सुने ना मेरी बात सुने ना, अगले हम 3-4 मैच जीतेंगे, हमारे सेमीफाइनल में आ जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिस टीम के खिलाफ आपका रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं है, वो भाई उस टीम के खिलाफ कोई तो ऐसी परफॉर्मेंस दो। वो T20 वर्ल्ड कप में भी हमने जो 152 पे 0 पे किया था, वो भी बाबर आजम और रिजवान की मेहरबानी थी आपके। वो भी अगर वो आउट हो जाते तो वो भी शायद हम मैच हार जाते। आपके महान इमाम, आपके प्लेयर ही नहीं है, इमामुल हक गिलक्रिस्ट जो महान हमारे ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने भारत के खिलाफ बड़े मौकों पर 6 मैच खेले, 6 की 6 बार मायूस किया, 6 की 6 बार 64 रन 12 की औसत से 12 रन। बात ये है, आपके जो दो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है ना, जो अब्दुल रजाक और क्या बोलूं शाहिद आफरीदी है, उनके आज पूरे पूरे 6 रन थे, कोई विकेट नहीं है। अगर बाबर, मैं आज खुल के बोलूंगा, अगर अभी भी इनको खिलाता है ना, अभी भी सपोर्ट करता है, तो फिर ये दोस्ती यारी वाले जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने आपको लास्ट शो में क्या बोला था कि ये इमामुल हक का आखिरी मैच होना चाहिए। अगर अब मुझे ये बताओ, यहाँ एक मिनट ना, एक और सर, एक मिनट, यहाँ यहाँ पे अब कोई बाबर की सपोर्ट तो नहीं हो रही ना भाई, यहाँ कोई बाबर की सपोर्ट तो नहीं हो रही। हमने आज से मैच से पहले, एक दिन दो दिन पहले भी कितनी दफा शो में हमने डिस्कस किया कि ये इमामुल हक का आखिरी मैच होना चाहिए, वरना साफ पता चल जाएगा कि भाईजान आप दोस्ती यारी जो है वो निभा रहे हैं।